तो सर ने बोला कुछ खाना पीना खाना है तो खा लो, ये अपना ढाबा है। और हमने बोला खाना तो मैं खाया हूँ, अब आनंदपुर साहब के लिए जाना है तो ये बोलना अच्छी बात है। तो यार लिफ्ट 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 कहाँ जा रहा हो? पहाड़ी एरिया है यार, देखो यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं। लिफ्ट भी दिया, लस्सी भी लाया और खाने के लिए भी पूछा। ये मैं आनंदपुर साहब के लिए निकल रहा हूँ और ये भाई साहब जो हैं मुझे लिफ्ट दिया, पहली लिफ्ट मिली मुझे इसमें। और इससे मैं शुरुआत किया हूँ आनंदपुर साहिब के। भाई साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप कहाँ तक लेके चलोगे हमको? बस यहीं पर। ओके, बहुत बहुत थैंक यू यार, तुमने हम जैसे है चाइकरों की मदद करने का जो है ना कोशिश किया। ये जालंधर बस स्टैंड के आसपास में हूँ और काफ़ी रश रहा था यहाँ पे। बस स्टैंड काफ़ी बड़ा बस स्टैंड है और मुझे पहुँचना है जालंधर से आनंदपुर साहिब। आनंदपुर साहिब यहाँ से लगभग 109 किलोमीटर दूर है। तो लिफ्ट की शुरुआत तो हुई अच्छे से, एक रिक्शे वाले ने, कैरियर रिक्शे वाले ने हमें लिफ्ट, अच्छा एक ने इनको बंद किया है तो लिफ्ट मांग रहा हूँ। सर 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 लिफ्ट 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 कहाँ जा रहे हो? अच्छा हगवाड़ा तक चलोगे? मेरे को आनंदपुर साहब जाना है। थैंक यू। तो ये मेरी दूसरी लिफ्ट और ये फगवाड़ा तक दे देंगे। आनंदपुर साहब का रूट मुझे पता नहीं है, थोड़ा बता भी देंगे आप, है ना? थैंक यू सर। तो ये आनंदपुर साहब के लिए जालंधर से आनंदपुर साहब वाहेगुरु जी की खालसा वाहेगुरु जी की फतह। ये आनंदपुर साहब ट्रिप, ये जालंधर आनंदपुर साहब चेकिंग कर रहा हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। सर ने बोला थोड़ा रुक जाते हैं और रस पी लेते हैं, आगे लंगर चल रही है। उनके साथ आया और ये गन्ने की रस लंगर में ना, लंगर में फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को ऐसी सेवा जो है बहुत कुछ लोगों को मिलती है यार, नहीं मिलता पूरे इंडिया में चले जाओगे नहीं मिलता। तो थोड़ा बर्फ मिलता है, काफ़ी अच्छा है शुद्ध रस। ऐसे पीछे आप देखो लोग एनएच है और लोग रुकते हैं और ऐसे गन्ने का रस और भी खाना वाना सब है पूरा। मतलब यहाँ पे ही वो जो कहावत है ना कि साई इतना दीजिए क्या मैं तुम समाज, मैं भी भूखा ना रहूँ साधु भी भूखा, ऐसी कुछ है ना साधु ना भूखा जाए। तो ये चीज़ यहीं पे लागू होती है सिर्फ, बाकी तो इंडिया में कहीं दिखता नहीं होता। सर के साथ हिचहाइकिंग अभी भी जारी है और सर मुझे यहाँ तक ले चलेंगे, चलूँगा ही। अभी और कितना दूर है सर? हाँ 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर अभी और सफर बाकी है। थैंक यू सर। सर के साथ यहाँ तक सफ़र रहा, 35 से 40 किलोमीटर का सफ़र सर के साथ। सर थैंक यू। मैं आया और मैं 35 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका हूँ। अब बग्गा बग्गा या बग्या 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 बग्गा 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 तक जा रहे हैं, बग्गा जा रहे हैं बग्गा। आपका नाम एक बार बताएंगे? नवल। यहाँ पर ओके सर बाय। तो ये बग्गा तक मुझे लिफ्ट मिला है, अब आगे मैं देखता हूँ, कोई पता नहीं। मैं थोड़ा रास्ता भटक गया, गढ़शंकर के लिए लिफ्ट मांगूंगा क्योंकि थोड़ा सा रास्ता भटक गया हूँ। और ये बग्गा है और ये काफ़ी लंबा फ्लाईओवर था, ये लगभग 1 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर था। तो ये कभी कभी हो जाता है चलते चलते, क्या है ट्रैक्टर वाले को भी नहीं पता था तो उन्होंने फ्लाईओवर तो पार करवा दिया, पर ये बग्गा ही है। देर से मैं ओके में भटक गया था, थैंक यू सर। मैं भटक गया था रास्ता, अब सही मिला है। ओ ये सर
ये तो गली वाला रोड है, ट्रैफिक तो ज़्यादा, लिफ्ट मिलेगी देखता हूँ। शहर वाला एरिया पार करना पड़ेगा। ये था बग्गा, बग्गा और मैं भटक गया था रास्ता था। अगर ये बग्गा शहर है, बग्गा बग्गा, और अभी शहर एरिया है तो थोड़ा यहाँ लिफ्ट मिलने में आगे भी करता हूँ, मांगता हूँ लोगों से। हाँ हाँ, एक डेढ़ घंटा तो यहाँ बर्बाद हो गया मेरा, मैं रास्ता भटक गया, गलत रास्ते पकड़ लिया। अब लिफ्ट मांगता हूँ, अब यहाँ पर लोगों से लिफ्ट लेता हूँ। ऐसे यार शहर एरिया पार तो कर जाऊँ। ये भाई साहब को देखो, भाई साहब हर शंकर तक दे दो, तो आगे तक लिफ्ट दे दो। ये लिफ्ट के लिए है, देखते हैं भाई साहब। अरे देखिए सर, ये आगे तक एक लिफ्ट मिल गई, देखता हूँ चलते हैं सर। मुझे जाना है सर गढ़ शंकर, रास्ता यही है ना? हाँ हाँ, आनंदपुर से जाना है एक्चुअल में। हाँ तो सर ने बोला कि थोड़ा आगे तक छोड़ देता हूँ, मतलब तो पीछे ही रहना था, लेकिन बोले चलिए मैं थोड़ा आगे तक और छोड़ देता हूँ। ऐसा है लोग अच्छे मिल जाते हैं, और सर बिहार के ही रहने वाले हैं, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है, बाहर में अपना लोग मिलता है। मैं भी बिहार का हूँ सर, गया का रहने वाला हूँ, और मैं हिचहाइकिंग कर रहा हूँ पंजाब में, पंजाब एक्सप्लोर कर रहा हूँ। थैंक यू सर। आपका नाम सर? अनिल कुमार शाह। अनिल कुमार शाह सर बिहार के ही हैं, और सर ने हमें इस बाइक से लिफ्ट दिया सर, थैंक यू। यहाँ तक लिफ्ट मिली, सर ने बाहर छोड़ दिया, वैसे ज़रूरत बाहर की ही थी, मैं बाहर आ गया और शुरू कर रहा हूँ मेरा सफ़र है आनंदपुर साहब। पाजी पाजी पाजी, ये तो यार गढ़ शंकर, यहाँ से अगला मेरा डेस्टिनेशन गढ़ शंकर है। पेड़ है इसलिए अच्छा है यार, बहुत गर्मी है मत कहो, परेशान हूँ गर्मी में, और ऊपर से लोग बोल रहे हैं ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, छीन लेगा, सारा लफड़ा है यार। 10 मिनट हो गया यार, 10 मिनट से खड़ा हूँ यहाँ पे इंतज़ार में, कोई सिंगल वाला मिले तब तो, लोग डबल डबल जा रहे हैं, होंगे नहीं ऐसे। नोमट पीआरएस, नोमट पीआरएस नाम क्या है? नाम प्रेम रंजन शर्मा। आप कहाँ आए कहाँ से? हाँ जी साहब, आए कहाँ से? मैं बिहार से हूँ, और मैं ट्रैकिंग कर रहा हूँ अभी पंजाब एक्सप्लोर में, पंजाब को मतलब घूम रहा हूँ पंजाब में। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा सर। आपका नाम सर? भाई पहुँचने वाले हैं गढ़ शंकर। बस मैं तो दर्शन करूँगा, दर्शन करने के लिए इधर जा रहा हूँ। आगे 50-100 लंगर आएगा बिल्कुल सर।